Good morning, students. Today our topic is solvency ratio. आज हम solvency ratio में दो ratios cover करेंगे. First total asset to debt ratio and then proprietary ratio. इससे पहले first वाली ratio debt equity ratio हमने कल की थी. I hope कि उससे related सम भी आपने solve किए होंगे. तो आज हम start कर रहे हैं total assets to डेट रेशो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स. तो इस रेशो के कंपोनेंट से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि टोटल एसेट टू डेट रेशो हमें क्या बताती है. ये दो चीज़ों का लिंक या रिलेशन बताती है. टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स का प्रोपोर्शन बताती है. इसका मतलब ये है कि जो भी हम बोरो करते हैं उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है. ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही लैंडर्स का सेफ्टी मार्जिन ग्रेटर माना जाएगा और वो सिक्योर्ड माने जाएंगे. तो ये रेशो जितनी हायर हो उतना ही बेटर माना जाता है. और अगर ये रेशो लो है तो इट मींस कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट नहीं कर पाती है और पिछले लोन को पे करने के लिए उसको फिर दोबारा बोरो करना पड़ता है. लो रेशो इंडिकेट्स मोर डिपेंडेंस ऑफ एंटरप्राइज ऑन लॉन्ग टर्म बोरोड फंड. अब हम इसके कंपोनेंट्स पर आएंगे कि टोटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है. टोटल एसेट्स में दो चीज़ें इंक्लूड करनी है. फर्स्ट नॉन करेंट एसेट्स, सेकेंड करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स जो 12 मंथ से अबव पीरियड के लिए होती हैं, इसके अंदर हम लेंगे टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हुए हैं गिवन. करेंट एसेट्स में हम लेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज. तो यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि इन्वेंट्रीज जब भी हमको लेनी है करंट एसेट में तो इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स लेना है जब हम टोटल एसेट्स निकालने जा रहे हों. इससे पहले हमने करंट रेशो में जब करंट एसेट्स ली थी तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किया था. तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज में इंक्लूड करते हुए लेना है. प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स एंड बीआर आएंगे, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, प्लस अदर करेंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम. तो नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट से हमें फॉर्मूले में टोटल एसेट्स जो चाहिए वो मिल जाएंगी. इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए होंगे. लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए दो चीज़ें लेनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये लॉन्ग टर्म डेट्स बच्चों पूरा डेट इक्विटी रेशो में जो हमने डेट किया था सारा वही है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लिए हुए हैं, यहाँ पर टेकन वाले लेने हैं, जो हमने ले रखे हैं, जो हमारी लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म. ऐसे ही लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविज़न फॉर वारंटी एट्सेट्रा आएंगे. तो अब जैसा कि आपको फॉर्मूले में मैंने बताया कि टोटल एसेट टू डेट रेशो में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो टोटल एसेट्स और दूसरा लॉन्ग टर्म डेट्स. उसके कंपोनेंट्स हमने समझ लिए हैं. तो अब हम इसकी इलस्ट्रेशन रिवाइज करेंगे. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको निकालनी है टोटल एसेट टू डेट रेशो. तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पहले सुनिए ध्यान से. कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख, इन्वेस्टमेंट 2,10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 18,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,75,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,50,000,
इक्विटी शेयर कैपिटल 14,30,000, 8% डिवेंचर्स 4 लाख, कैपिटल रिजर्व 2,75,000 एंड सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000. दिस इज़ अवर प्रॉफिट. पर्टिकुलर्स पढ़ने के बाद अब हम सॉल्यूशन पर आएंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से हो या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से हो. इंटरनल सोर्सेज यानी ऑनर फंड, जिसको हम शोल्डर फंड भी कह सकते हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज यानी लॉन्ग टर्म डेट्स. तो सीधे से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स. शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, जिसको हम प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ कई नामों से जानते हैं. कल भी हमने किया था डेट इक्विटी रेशियो में, जो वहाँ पर इक्विटी का मतलब था वही यहाँ पर शेयर होल्डर फंड का मतलब है. तो इक्विटी के अंदर या शेयर होल्डर फंड के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेंगे इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. तो इन तीनों अमाउंट का टोटल आपको मिल जाएगा 18,55,000. ये है हमारा शेयर होल्डर फंड. इसके बाद हम आएंगे लॉन्ग टर्म डेट्स पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं गिवन है, तो वो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से निकालने जा रहे हैं. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड. कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड शेयर होल्डर फंड हमने अभी कैलकुलेट किया है, तीन चीज़ों का टोटल था 18,55,000. तो बच्चों यहाँ फिर ध्यान देना, जब हम डिफरेंस करते हैं तो ये 6,45,000 हमें लॉन्ग टर्म डेट्स मिल गए. तो अगर हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स जो कि क्लियरली नहीं गिवन है, बट डेट में एक ही कंपोनेंट क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 8% डिबेंचर्स 4 लाख, ठीक है. तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस यानी कि 6,45,000 माइनस 4 लाख, ये जो 2,45,000 है ये कोई और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो आपको सीधे से लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड करके. अब हम निकालेंगे टोटल एसेट्स. इस इलस्ट्रेशन में हमें कुछ करंट एसेट्स और कुछ नॉन करंट एसेट्स दोनों ही गिवन है, तो उनको हम लेंगे जैसे कि लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी. तो इसमें हमें टोटल एसेट्स मिल गई 26 लाख. इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. नाउ टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, 26 लाख अपॉन 6,45,000. तो हमारा आंसर आया, डेसिमल के बाद 2 places तक सॉल्व करना है और इसको प्योर रेशियो फॉर्म जो कि इस टू होता है उसी में ही रिप्रेजेंट करना है. तो 4.03:1, जैसा कि हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा कि ये रेशियो जितनी हायर हो उतना ही लैंडर्स की सिक्योरिटी ज़्यादा मानी जाएगी, वो सेफ हैं. तो यहाँ पर हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन साउंड है. नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर आएंगे सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर. ये थर्ड रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ भी कह सकते हो इसको, इक्विटी भी कह सकते हो, अपॉन टोटल एसेट्स. बच्चों जो हमने प्रीवियस टॉपिक डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी पढ़ा था, वो जो इक्विटी है वो सेम यही है. ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो होती है ये प्योर रेशियो फॉर्म में भी निकलती है और परसेंटेज फॉर्म में भी निकल सकती है. इसको इनमें से कैसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कंपोनेंट से पहले इसकी भी सिग्निफिकेंस हम समझेंगे. प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है?
प्रोप्राइटरी रेशियो इस बात को इंडिकेट करती है कि जितना भी प्रोप्राइटर फंड है उसमें से हमने कितनी टोटल एसेट्स परचेज करी हैं, यानी कि टोटल एसेट्स के लिए जो भी फाइनेंस यूज़ किया गया है वो बोरोड फंड में से भी किया जा सकता है और ऑनर फंड में से भी। तो ऑनर फंड का कितना पोर्शन टोटल एसेट्स में लगा हुआ है, तो ये बेटर है कि हम अपने इंटरनल फंड को ज़्यादा यूज़ करें बजाय कि बोरो कर कर के हम एसेट्स परचेज करें। तो ये रेशो भी जितनी हाइयर हो उतना अच्छा है। लोअर प्रोप्राइटरी रेशो इंडिकेट इन सिक्योरिटी टू लॉन्ग टर्म लेंडर्स ऑफ मनी, तो ये रेशो कम है तो इनसिक्योरिटी है लेंडर्स के लिए। प्रोप्राइटरी रेशो के कंपोनेंट्स में प्रोप्राइटर्स फंड की अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटर्स फंड में या इक्विटी में हमें दो चीज़ें लेनी है, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस माइनस कर देंगे और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हम आएंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में सभी टाइप की एसेट्स को इंक्लूड करना है, चाहे वो नॉन करेंट एसेट्स हों या फिर करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को लेना है जो भी कंपनी ने दे रखे हैं। करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पर फिर से ध्यान देंगे, जब भी हम करंट एसेट में इन्वेंट्री लेंगे तो इंक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स लेंगे, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एंड अदर करंट एसेट्स लाइक अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रोप्राइटरी रेशो को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मैं उसके पर्टिकुलर्स आपके सामने पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। एंड एसेट्स में इंक्लूड है गुडविल, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में कहा है कि इन पर्टिकुलर्स को यूज़ करके आपको प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट करनी है, जो कि इस टू में भी हो सकती है प्रोप्राइटरी रेशो और परसेंटेज फॉर्म में भी निकल सकती है। तो हम इसको दोनों से यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर्स फंड में सारा इक्विटी को कवर करना है, लाइक शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस विच आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड द टोटल इज़ 11 लाख। अब हम टोटल एसेट्स निकालेंगे। टोटल एसेट्स में ऑल एसेट्स इंक्लूड करनी है, आइदर नॉन करंट हो या फिर वो करंट हो। तो क्वेश्चन में जो हमें एसेट्स गिवन है वो है गुडविल, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। तो इन चार चीज़ों का टोटल करके हमें टोटल एसेट्स मिल गई हैं 22 लाख। अब प्रोप्राइटरी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड इज़ 11 लाख एंड टोटल एसेट्स 22 लाख। तो हमारा जो आंसर है वो 0.5:1 आएगा और अगर हम इसको इनटू 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज में भी एक्सप्रेस की जा सकती है 50%। तो ये रेशो भी जितनी हाइयर हो उतना ही बेटर मानी जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन।